अमृतसर पुलिस ने दो व्यक्तियों को 4 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अमृतसर पुलिस के डीएसपी अमृत सिंह पवार का कहना है कि पकड़े गए दोनों दोषी यूनिवर्सिटी की बैक साइड के रास्ते से आ रहे थे, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग हेरोइन लेकर शहर की तरफ आ रहे हैं। तभी पुलिस ने रामतीर्थ रोड पर नाका लगाकर चेक करनी शुरू कर दी, मगर तभी एक्टिवा सवार दो युवक पुलिस को देखकर पीछे लौटने लगे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पवार ने कहा कि दोषियों के पास से लिफाफे से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 4 करोड़ है। दोषियों की पहचान अनिल कुमार और साहिल शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीछे मानजो डीजीपी साहब आईसी और डीजीपी एसटीएफ मुस्तफा साहब भी आए सी, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं क्योंकि असी ड्रग के खिलाफ मुहिम तोरी हुई है। ये तहत कल एस एच ओ कैंट की सुपरविजन हेठ नाका लग्या सी रामप्रीत रोड से यूनिवर्सिटी की बैकसाइड से। एक एक्टिवा से दो मोने नौजवान जो जाते देखे शक्की हालत जो देखा तो उन्होंने रोकने इशारा किया तो उन्होंने पिछे मुड़ की कोशिश की, उन्होंने जो काबू किया तो उन्होंने कोलों 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। ये एक अनिल कुमार है जो कि छाटे का रहने वाला है, दूजा जिहड़ा है वो साहिल है वो कोट खालसा का रहने वाला। सो इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करके 204 नंबर FIR NDPS एक्ट के तहत कैंट विखे केस रजिस्टर कर दिया गया। अमृतसर से कैमरामैन दीपक बजाज के साथ हनी मेहरा, जीवे पंजाब टीवी।